संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से आज की तारीख में पूरे देश में ओबीसी का आरक्षण बंद है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है ऑर्डर करने की, क्योंकि जो बवाल मचेगा इसके बाद उसको मैं सोच करके आतंकित हूँ, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं कर रहा। देखिए आप, अभी पूरे देश में ओबीसी का आरक्षण बंद किया जा चुका है पूरी तरह। ओबीसी आप कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण बंद किया जा रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के लिए जान की बाजी लगा दूंगा और आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया, तो आप ये भ्रांति क्यों फैला रहे हैं? देखिए साहब, जो राजा राम जी मिल जैसे करोड़पति अरबपति आदमी है जो ओबीसी की या जातिगत राजनीति करते हैं, ये ही आरक्षण के दुश्मन है। आज की तारीख में पूरे देश में तीन ही आरक्षण चल रहे हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट का, दूसरा शेड्यूल ट्राइब का, तीसरा ईडब्ल्यूएस का। 15 अगस्त 18 के बाद हमारे देश में कोई भी ओबीसी नहीं है। नमस्कार, मेरे साथ हैं समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष पाराशर नारायण जी। पाराशर नारायण जी, आप अक्सर आरक्षण के खिलाफ लठ लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीछे पड़े रहते हैं, ओबीसी आरक्षण के ऊपर भी आपने काफ़ी कुछ रिट याचिकाएँ लगाई है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, समता आंदोलन आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन हम जाति आधारित आरक्षण को जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि जाति आधारित आरक्षण के कारण से एक तो पात्र व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, दूसरा जातिवादी राजनीति पनप रही है, जातिगत ध्रुवीकरण, जातिगत वैमनस्य इसी कारण से पनप रहा है, और देश भयंकर तेज गति से जातिगत गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ये सब बुराइयों के जड़ ये जातिगत आरक्षण ही है। अगर जातिगत आरक्षण समाप्त हो जाता है तो पात्र व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा, कमजोर व्यक्ति अपलिफ्ट होने लगेंगे और जातिगत वैमनस्य खत्म होगा, जातिगत सद्भाव बढ़ेगा, आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। आज तो भयंकर रूप से राजनीति जाति आधारित हो गई है, टिकटें देने के लिए कैलकुलेशन जातियों के आधार पर हो रहा है, उसका मेन कारण जातिगत आरक्षण है ये। पाराशर नारायण जी, मैं बीच में आपकी बात काटूंगा, आप ओबीसी के जब भी कोई वैकेंसियां निकलती है तो आप उसके अंदर भी कहीं ना कोई रिट लगा करके उसमें भांगझड़ पैदा कर देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? ओबीसी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? नहीं, ओबीसी का तो आरक्षण भी खत्म है, हम कोई ओबीसी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम गुर्जरों के पीछे नहीं पड़े हैं। हम गुर्जरों का भी ये करते थे जी 50% के अंदर लीजिए आप, लेकिन अभी जो समीक्षा की बात चल रही है उसके हिसाब से केंद्र सरकार इस ओबीसी आरक्षण का समीक्षा करने के लिए मन बना चुकी है, और अभी पूरे देश में ओबीसी का आरक्षण बंद किया जा चुका है पूरी तरह बंद। ओबीसी आप कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण बंद किया जा रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के लिए जान की बाजी लगा दूंगा और आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया, तो आप ये भ्रांति क्यों फैला रहे हैं? नहीं, इसमें कोई भ्रांति वाली बात नहीं है। हम कह रहे हैं आज की तारीख में ओबीसी का आरक्षण बंद है, पूरे देश में बंद है, चाहे मोदी जी कुछ भी कह रहे हैं। हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से आज की तारीख में पूरे देश में ओबीसी का आरक्षण बंद है। कहीं भी दिया जा रहा है तो लोगों की अज्ञानता के कारण से दिया जा रहा है, या इल्लीगली दिया जा रहा है, असंवैधानिक रूप से दिया जा रहा है। उसको कोई चैलेंज करेगा तो रुकेगा, ये निश्चित रूप से रुकेगा। लोगों में जनजागरण नहीं है, लोगों में भ्रांतियाँ ये है कि जो ओबीसी आरक्षण चल रहा है, आज की तारीख में पूरे देश में तीन ही आरक्षण चल रहे हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट का, दूसरा शेड्यूल ट्राइब का, तीसरा ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का कहीं कोई आरक्षण नहीं है। नहीं, तो ओबीसी आरक्षण के लिए तो अभी भी राजा राम जी मिल काफी कुछ लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 27% से 54% पे आएंगे, और आप कह रहे हैं बिल्कुल आरक्षण जो है खत्म हो चुका है। तो आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि संवैधानिक तौर पर किस तरह से ओबीसी का आरक्षण खत्म हो चुका है? देखिए साहब, जो राजा राम जी मिल जैसे करोड़पति अरबपति आदमी हैं जो ओबीसी की या जातिगत राजनीति करते हैं, ये ही आरक्षण के दुश्मन है। ये आरक्षण का जो विरोध करवा रहे हैं ना, ऐसे संपन्न लोग जो आरक्षण की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, वो राजनेता आदमी है, करें, हमारा क्या लेना देना है? हम तो कोई राजनेता है नहीं, गैर राजनीतिक संगठन है। हम तो संवैधानिक प्रावधान बता रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण आज की तारीख में पूरे देश से बंद है, 15 अगस्त 2018 से बंद है, ये 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, पूरे देश में बंद है ये ओबीसी का आरक्षण, ये निश्चित रूप से है। अब आप पूछें कैसे बंद हो चुका है, इसके लिए 102वां संविधान संशोधन पढ़ना पड़ेगा। 102वां संविधान संशोधन संसद ने किया है, सबको पता था, अखबारों में पढ़ा है लोगों ने 102वां संविधान संशोधन, अखबारों में ये खबर आई थी साहब, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, सबने पढ़ा होगा, संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके अंदर, लेकिन संविधान में प्रावधान क्या क्या जोड़े गए ये किसी ने नहीं पढ़े। हमने पढ़े उन प्रावधानों को, वो प्रावधान ये हैं कि एक तो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया, ये तय है,
ये संविधान में जैसा एससी आयोग है, एसटी आयोग है, वैसा ही ओबीसी आयोग बना दिया गया है, एनसीपीसी अभी तक गठन नहीं हुआ है, जब भी होगा उसके समकक्ष ही होगा ये ओबीसी आयोग। दूसरा ये कर दिया उन्होंने ओबीसी की घोषणा करने की या ओबीसी निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया बना दी गई है, संविधान के अंदर डाल दी है, प्रक्रिया पूरी निर्धारित कर दी गई है। 342 से ये आर्टिकल है वो नया जोड़ा गया, उसमें ओबीसी को कैसे निर्धारित किया जाएगा, कैसे चिन्हित किया जाएगा, कैसे घोषणा की जाएगी ओबीसी की, ये प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये किया है इन्होंने कि ओबीसी की डेफिनेशन, ओबीसी किसको कहेंगे, ये डेफिनेशन संविधान में डाल दी गई है। तो ये ओबीसी की डेफिनेशन ये डाली उन्होंने आर्टिकल 366 में 26 सी में, उप अनुच्छेद 26 सी है उसमें डेफिनेशन डाली गई है कि ओबीसी उसको माना जाएगा जो आर्टिकल 342 ए के अधीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा पूरे इंडिया में, ओबीसी उसी को माना जाएगा। और ये संविधान संशोधन के जो तीनों प्रावधान है ये 15 अगस्त 2018 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। ये तो शर्मा जी, जो पहले से जो ओबीसी के अंदर है उन जातियों के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मैं बता दूं आपको, 15 अगस्त 2018 के बाद राष्ट्रपति ने किसी को भी ओबीसी घोषित नहीं किया है। इसका मतलब 15 अगस्त 2018 के बाद संवैधानिक रूप से हमारे देश में कोई भी ओबीसी नहीं है। कोई होगा तो वो होगा जिसको एनसीबीसी रिकमेंड करेगा, स्टेट की गवर्नमेंट रिकमेंड करके भेजेंगे एनसीबीसी को, एनसीबीसी उसको अप्रूव करके भेजेगा कैबिनेट को, कैबिनेट अप्रूव करके संसद में लाएगी, संसद बिल पारित करेगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाई करेगा, वही ओबीसी होगा। अदरवाइज कोई ओबीसी नहीं होगा। 15 अगस्त 2018 के बाद हमारे देश में कोई भी ओबीसी नहीं है। तो 15 अगस्त के बाद में भी तो वैकेंसियां जो सरकारें निकाल रही है, तो ओबीसी की वैकेंसियां तो निकल रही है। आपका एक पहले वाला प्रश्न क्लियर कर दूं कि 15 अगस्त से पहले के जो ओबीसी की लिस्ट है उनका क्या होगा। वो 15 अगस्त 18 के बाद डेड लेटर हैं, वो जो ही संविधान संशोधन हुआ उससे पहले के जो भी ओबीसी की लिस्टें हैं, जो भी आरक्षण के नोटिफिकेशन हैं उनके, वो सब डेड लेटर हैं क्योंकि संविधान के विरुद्ध हैं। जब तक संविधान में प्रावधान नहीं था अलग बात थी, स्टेट को पावर थी। आज की तारीख में 15 अगस्त 18 से राज्यों को कोई पावर नहीं है ओबीसी की घोषणा करने के लिए। अगर वो घोषणा की गई है 15 अगस्त से पहले की गई है वो भी अवैध है, 15 अगस्त के बाद की गई है वो भी अवैध है। अब आपका प्रश्न क्या था अभी एक पूछा? मेरा प्रश्न ये था कि भाई आप कह रहे हो कि सारी घोषणाएं अवैध है, तो ये आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या ये सारी सरकारें संविधान के खिलाफ काम कर रही है? बिल्कुल सरासर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने अभी एमबीसी को आरक्षण दिया है, अभी गुजरों को दिया है, बैकडेट से भर्तियां कर रहे हैं। विधानसभा ने पारित किया, हमने ज्ञापन दिया था इनको, हमें वकील का नोटिस दिया है, कोई सुनता ही नहीं है। सुनते इसलिए नहीं है कि हाईकोर्ट में जाए तो हाईकोर्ट में रिटे पेंडिंग पड़ी रहती है हमारी लंबे लंबे समय से, सुप्रीम कोर्ट में रिटे पेंडिंग पड़ी है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों रिटे पेंडिंग पड़ी है एमबीसी के खिलाफ, नहीं सुन रहे। क्या करें, जब भी फैसला आएगा ये निरस्त होगा। और ये तो बता, 10वीं क्लास का बच्चा भी अगर पढ़ करके दिखाएगा तो बता देगा कि सब ये ओबीसी का आरक्षण संबंध है, जैसे मैंने बताया संवैधानिक प्रावधान है, जो भी सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है समझ जाते हैं उस पर एक्टिवेट नहीं होते। आज के तारीख में जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं, जितने भी एजुकेशनल पद पे दिया जा रहा है, शैक्षणिक उस आरक्षण दिया जा रहा है, ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर हर जगह इसको चैलेंज किया जाएगा उस पर स्टे मिलेगा, आज नहीं तो कल में देना ही पड़ेगा, कब तक कोर्टें रोक पाएंगी इसको। तो इसको लागू करवाने के लिए समता आंदोलन क्या कर रहा है? हम रिट लगा रहे हैं, हमने अभी जो नीट परीक्षा हुई थी एमबीबीएस की उसमें रिट लगाई थी। आलोक शर्मा जी की बेंच थी, उन्होंने स्टे नहीं दिया, नोटिस इशू कर दिया और उन्होंने ओपन कोर्ट में इसको स्वीकार किया है कि ओबीसी का आरक्षण बंद है। मैं समझता हूँ एजी को और एएसजी को उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जवाब तक नहीं दे रहे और ये एस्टेब्लिश है ओबीसी का आरक्षण बंद है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तो हिम्मत नहीं हुई ऑर्डर करने की, क्योंकि जो बवाल मचेगा इसके बाद उसको मैं सोच करके आतंकित हूँ, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं कर रहा। देखिए आप हाईकोर्ट के जज तथा कथित असंवैधानिक काम को इसलिए नहीं रोक रहे कि बवाल मच जाएगा, दुर्भाग्य हमारा। जैसे तो एक बात है, मोदी जी ने जैसे ये आरक्षण बंद कर दिया 2018 के अंदर ही बंद कर दिया, तो वो खुद इसको फिर लागू क्यों नहीं करवा रहे? या तो कहीं गैप है और या कहीं भूल में और आगे से आगे एजेंडा चलते जा रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद कोई ओबीसी का आरक्षण बंद करने का नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जब संवैधानिक प्रावधान दिए हैं तो ओबीसी का आरक्षण बंद करने का मकसद उनका नहीं है, लेकिन वो ओबीसी की समीक्षा जरूर करना चाहते हैं। मोदी जी की मैंने वर्किंग देखी है, इनकी जो टेंडेंसी देखी है, ये गरीब के लिए जान छिड़कते हैं ये,
और ये जो ओबीसी का आरक्षण जो संपन्न जातियां ले जा रही थी, दबंग लोग लेके जा रहे थे, उनको बाहर करने के लिए इन्होंने एक तरह से ओबीसी की समीक्षा कर दी। अभी एनसीपी से गठन किया जाएगा, निश्चित रूप से गठन किया जाएगा तो बिल्कुल सही मानदंड आएंगे। किन मानदंडों पर ओबीसी घोषित किया जाएगा? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दबंग जातियां और दबंग लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और मेरे को यह भी लगता है जो ईडब्ल्यूएस के जो 5 मानदंड हैं वैसे के वैसे ओबीसी पे भी लागू किए जाएंगे और किए भी जाने चाहिए। जो गरीब ओबीसी के लोग हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, जिनको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है, उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ईडब्ल्यूएस के 5 मानदंड ओबीसी पे भी लागू होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे को लगता है कि मोदी सरकार ये चाहती है, करना चाहती है। अब ये प्रोसेस में या तो भूले बैठे हैं या उनको फुर्सत नहीं मिल रही। जो ही कोई कोर्ट इसको स्टे करेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे चाहे हाई कोर्ट करे, हम रिटर्न लगा रहे हैं, बवाल मचेगा निश्चित रूप से। केंद्र सरकार एक्टिवेट होगी, एनसीपीसी का गठन होगा, समीक्षा होगी, नए मानदंड आएंगे और ओबीसी का आरक्षण पुनः लागू होगा, लेकिन बिल्कुल नए कलेवर में लागू होगा, वास्तव में गरीब निर्बल और कमजोर लोगों के पक्ष में लागू होगा, ऐसा हमारा मानना है। और यही देश के हित में है और यही गरीबों के भी हित में है। तो आप थे पराशर नारायण जी शर्मा, आप समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष हैं और आपका कहना है मोदी सरकार ने 102वां संशोधन करके संविधान के अंदर ओबीसी की दोबारा से समीक्षा करने का एक अध्याय जोड़ करके ओबीसी आरक्षण को एक तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन सरकारें अभी या तो अनजाने में कर रही हैं या कोई किसी तरह का आंदोलन होने से या कोई बवाल मचने के डर से वो इसको लागू नहीं कर रही, लेकिन समता आंदोलन समिति इसको लागू करवा करके मानेगी, चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट इतनी ही रिटेल लगानी पड़े, लेकिन ये लागू करवा करके ही मानेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल ज्ञान दर्पण के साथ, हम फिर इसी के ऊपर इसी तरह की जानकारियां लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।